नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के जागीरपुर थाना इलाके में बीती रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला, मौके पर हुई मौत। मृतक का नाम गौरव 22 वर्षीय है। मृतक गौरव जागीरपुरी का रहने वाला था और अपने दोस्त के साथ भलसवा इलाके से जागीरपुरी अपने घर जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे गौरव की मौत हो गई। पुलिस मामला दर्ज कर पड़ताल में जुटी है, जबकि परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी है। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? लाडो। लाडो, क्या मामला था, पूरा बताएं। मुझे नहीं पता, मेरे पास रात को कॉल आया कि ऐसे ऐसे आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, और मैं और मेरा बड़ा वाला भाई हम दोनों गए हैं देखने के लिए। पहले हम करनान वाले बाईपास पे गए, वहाँ देखा नहीं था। फिर हमने दोबारा, हम बार बार फोन कर रहे हैं, ये पुलिस वाले फोन नहीं उठाने दे रहे थे। जो लड़का साथ में था मना कर रहे थे, फोन नहीं उठाने दे रहे थे। कम से कम उसके घर पे मत बोलो, उसके घर पे मत बोलो। फिर रात को, फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद उस लड़के ने मेरे को फोन, मैंने दोबारा मिला के उसको, फिर उसने मेरा फोन उठाया। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तू है कहाँ पे, मेरा भाई कहाँ है? तो उसने बोला ये जो ये भलसवा के झील के पास ये जो बाईपास है यहाँ पर है। मैं और मेरा भाई जब वहाँ पे गए, तब मैंने देखा मेरे भाई की बॉडी वहीं पे पड़ी हुई थी, बस कपड़ा इन्होंने और सिर्फ कपड़ा ढक रखा था, जिसमें कि कुछ भी नहीं कर रहे, तो कुछ भी नहीं इन्होंने बोला ना कुछ करा। 10-15 पुलिस वाले थे वहाँ पे, 10-15 पुलिस। कितने बजे की घटना थी? 1 बजे की घटना, 1 बजे की बात है। पुलिस वाले कौन थे जो आपके फोन नहीं उठा रहे थे, इस तरह से पुलिस वाले हमारा फोन नहीं उठा रहे थे। पुलिस वाले यूँ बोल रहे थे कि इनके घर पे मत बताओ, उस लड़के से कह के। उस लड़के ने मेरे को फोन करा है, और जब मेरा भाई वहाँ पे पड़ा हुआ, इसका मुंह ढक रखा है, हमने कहा आप यहाँ से लेके जा रहे हो मेरे भाई को, फिर कार्रवाई करोगे आगे? फिर हम सब कुछ करेंगे, उन्हें पकड़ भी लेंगे, लेके भी आएंगे, लेकिन कोई नहीं लाया। लेकिन कोई भी नहीं लाया। रहा चलता था उस बंदे ने, और रोक के मतलब उसको बोला कि इसका पीछा कर, ट्रक वाले का। वो अपनी बाइक लेके भी गया, पीछा भी करके आया, उसने नंबर भी दिया अपना, और बकायदा पुलिस वाले को दिया नंबर, और ये हमें नहीं दिया, और अपना फोन नंबर भी देके गया, और ट्रक का नंबर भी देके गया है वो, तब भी कह रहे कि हमें नहीं दिया। पुलिस वाला कौन है, कुछ नाम बताएंगे? ऐसे कैसे बता दे, 15 खड़े थे, 15 सर, मान लो 15 जने थे वो जो बैठे हुए सर। हमने उनको बोला तो वो कह रहे मेरे 15-20 जने थे। मैं तो बाद में आया हूँ, मेरे से पहले तो बहुत सारी टैक्सी खड़ी थी, बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए थे, 15 या 10 पुलिस वाले, मान लो 15 या 20 पुलिस वाले थे, सबने यही बात बोली थी, लेकिन फिर करा किसी ने कुछ भी नहीं। क्या उम्र रही होगी? और अभी भी यू कह रहे कि मैंने वहाँ पे इनसे बोला कि आप कैमरे खुलवाइए वहाँ के, कैमरे बंद है रोड के, आपको पता चल जाएगा कि किसने क्या करा है। पहले इन्होंने बोला वहाँ पे कैमरे नहीं है, मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैं गई हूँ और मैं वीडियो बना के बकायदा लेके आई हूँ। कह रहे वहाँ पे कैमरे नहीं है, मेरा भाई वहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरे भाई की वहाँ सैंडल पड़ी हुई है पूरी, ये देखिए जी। क्या नाम है आपका? अरविंद नाम है मेरा। अरविंद जी, क्या मामला था, पूरा बताएं। गौरव जो मेरा साला लगता है, वो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जहांगीरपुरी का रहने वाला है, भलसवा के आसपास। रात में कभी, अब रात में 1 से 12 से 1 के बीच में एक्सीडेंट हुआ, उसी बीच परिवार वालों को खबर मिली कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, ये लोग गए वहाँ पर, ज़्यादा बुरा हाल था। कहानी जब तक पता चली, तो मतलब जो उसके साथ एक लड़का था हर्ष, उसने कहानी ये बताई कि कोई ऑटो वाला था साथ का, वो और ट्रक वाले की लड़ाई हो रही थी, वो एक दूसरे से कोई पैसे वैसे का मामला था शायद, तो ट्रक वाले ने जब उसको पैसे दे दिए, तो ये हर्ष और गौरव बीच में उनके बोले, तो वो ट्रक वाले ने शायद पता नहीं क्या, पीछे वो बाइक उसके खड़ी थी ट्रक के, तो बाइक नहीं, वो खड़ा था पीछे, मतलब वो खड़ा था, तो वो पीछे जब आया तो ट्रक वाले ने बैक गियर लगा के पीछे उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, और फिर आगे लेके सीधा भगा के ले गया। ये जो उसके साथ जो ऑन द स्पॉट जो लड़का था, उसने बताई ये बात। ऑटो वाला जो था, वो उस बंदे को तो पुलिस वालों ने बुलाया ही नहीं, किसी तीसरे ऑटो वाले को बुला के उसके बयान ले लिए कि मैंने तो सिर्फ रिपोर्ट करी है, बॉडी मिली थी मेरे को ऐसे। तीन चार ऑटो वाले थे वहाँ पर, और ऑटो वाले में से सिर्फ एक ही बंदा आया वहाँ पर, पुलिस जो मेन बंदा था वो तो आया ही नहीं। पुलिस का क्या कार्रवाई रहा? पुलिस की कार्रवाई कुछ नहीं, एक बंदा था जो हर्ष लड़का है, उसने ये बताया कि रात में क्या हुआ था, एक लड़का था जो वहाँ से गुजर रहा था बाइक पे, उसने जब ये चीज देखी तो वो उस ट्रक के पीछे लगाई उसने बाइक, और नंबर लेके आया, वापस आया नंबर लेके, और क्या बोलते हैं जो पुलिस वाले PCR इनकी क्राइम टीम थी जो, और क्या बोलते हैं जो PCR जो पेट्रोलिंग टीम थी, वो सब लेके जब यहाँ पर
इसको लेके आए हैं जगजीवन में। तब यहाँ के स्टाफ ने भी देखा उस बंदे को, लेकिन वो क्या अननोन बंदा था, उसने अपना किसी पुलिस वाले को नंबर दिया है और ट्रक का नंबर भी दिया है बकायदा। अब वो किसको दिया किसको नहीं दिया, अब परिवार वालों को तो लड़का चला गया, उनसे तो बॉडी नहीं देखी जा रही है, शक्ल ही गायब हो गई लड़के की, तो वो ये चीज़ें देखेंगे कि कौन किसका नंबर था, क्या था क्या नहीं था, इतना थोड़ी देख पाएंगे। अब पुलिस वालों से जब बात करिए तो उनकी रिपोर्ट में ना तो उस बंदे का नाम है, ना उस बंदे का जिक्र है, नंबर ट्रक का नंबर। अब हमने इस बात पर जोर दी कि भाई कैमरे का देख लो थोड़ा बहुत कैमरा, अगर सीसीटीवी तो बोल रहे हो तो ऐसे इलाका है वहाँ कहाँ कैमरे होंगे। तो हम गए हैं बकायदा, वीडियो भी दिखाई होगी गार्डों ने अभी आपको, हम गए हैं, हम देख के आए हैं कि कैमरे हैं वहाँ, तब इनको बताया है, अगर इनका काम आधा हम कर रहे हैं बताया है, फिर उसके बाद वहाँ पर बातचीत करी, अभी बता रहे हैं तो बोल रहे हैं, इनका रवैया इस तरीके से है जैसे ये हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं काम करके, इस तरीके का रवैया। पहले कहते थे पुलिस प्रशासन इस मामले का काम नहीं कर रही है, वो अपना वर्कलोड कम करना चाहते हैं मेरे हिसाब से। ये यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।